सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आयुर्वेदिक हर्ब को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको आयुर्वेदिक टिप्स सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुनक्का के बारे में। मुनक्का हम सब लोग खाते हैं, लेकिन इसके फायदे के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज हम बताएंगे कि मुनक्का को खाली पेट खाने से कई रोगों को बहुत फ़ायदा होता है। एक मुनक्का बहुत सारी बीमारियों का इलाज देता है। तो आइए हम बात करते हैं एक मुनक्के के द्वारा कई बीमारियों के इलाज। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि मुनक्का के अंदर बहुत सारी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा पहुंचाता है, और इसके अंदर फाइटो और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई एवं सेलेनियम की मात्रा होती है। मुनक्का को द्राक्षा भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिवर्धक टॉनिक द्राक्षासो भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। ये मुनक्का के अंदर द्राक्षासो बनाने में विशेष यूज होता है। तो हम आइए हम बात करते हैं कि मुनक्का को हम कैसे यूज करें और यह किन किन लोगों में लाभकारी है। तो सबसे पहले 8 से 10 मुनक्का रात को पानी में भिगो कर रख दें, और फिर सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट चबा कर खाएं, और उसके ऊपर से आप थोड़ा पानी पिए, और इसके बाद आधा घंटे तक कुछ मत खाइए। आधा घंटा के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। इससे आपको आंखों की रोशनी बढ़ती है, गले की खराश, नज़ले में आराम मिलता है, खून की कमी दूर होती है। यह गठिया रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि मुनक्का के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इसलिए गठिया रोगियों के लिए भी विशेष लाभकारी होता है। और जिस पुरुष को कमजोरी महसूस हो रही हो, इसे 7 से 10 मुनक्का दूध में डालकर उबालें, फिर इसे थोड़ा ठंडा करके सुबह नाश्ते के साथ पिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी कमजोरी भी समाप्त हो जाएगी। मुनक्का सुबह खाली पेट खाने से एनीमिया दूर होती है। जिन पेशेंट को एनीमिया की बीमारी है, मुनक्का से उसको काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन बी कम्प्लेक्स पाया जाता है, जो कि एनीमिया के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और यह आपके दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया की रोकने की क्षमता भी होती है। तो दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हम अपने चैनल आयुर्वेद हर्ब में कुछ और रोगों और कुछ अन्य उपचार के बारे में जल्द आपको अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।